नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मेजरमेंट मीटर लंबाई के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसका कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स किलोमीटर, इसका वैल्यू हो जाता है 1000 मीटर। इसका वैल्यू हो जाता है 1000 मीटर। और हेक्टामीटर, इसका वैल्यू हो जाता है 100 मीटर। और डेकामीटर, इसका वैल्यू हो जाता है 10 मीटर। मीटर, मीटर का वैल्यू जानते हैं 1 मीटर। और डेसीमीटर, इसका वैल्यू है 1/10 मीटर। सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 1/100 मीटर। इस तरह से होता है दोस्तों। और मिलीमीटर ये मुख्य है, आजकल इसी का प्रचलन है, मिलीमीटर 1/1000 मीटर, इतना होता है। अब हम एक स्केल बना लेते हैं। 0 से प्रारंभ होता है, 1 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1/100 मीटर। इसका भाग करेंगे तो इसका मान निकल आता है 0.01 मीटर। इसको जांच करने के लिए 100 से गुणा कीजिए, 0.01 × 100, 1 मीटर आएगा। अब यदि इसको 100 बार जोड़ेंगे फिर भी 1 मीटर आएगा। इस तरह से 0.1, 0.1, ये 100 बार लिख के जोड़ेंगे तो 1 मीटर आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.01 मीटर है। और मिलीमीटर को देखते हैं, इसका प्रचलन ज़्यादा है। 1 मीटर = 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर। इसको भाग करके देखिए, इसको भाग करेंगे तो 0.001 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना मीटर है, 0.001 मीटर। ये जो 10 खाना, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाना रहता है, तो 1 खाने बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.001 मीटर होता है। इसको जांच कीजिए, 0.001 × 1000, इसके बराबर 1 मीटर आएगा। और यदि इसको बार बार जोड़ेंगे, 1000 बार जोड़ेंगे फिर भी 1 मीटर होगा। बार बार जोड़ना ही गुणा है। इतना सारा चौथी पांचवी छठवी के बुक में दिया गया है। और अब प्रश्न किए हैं, मीटर से फुट में बदलना, फुट से मीटर में बदलना, इसको जानने के लिए थोड़ा उच्च स्तर का है, इसको देख लेते हैं। फीट से मीटर में बदलना, फुट से मीटर में, फुट से मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे?
इसको देख लीजिए, मान निकालेंगे एक मीटर बराबर, एक मीटर बराबर हो जाता है 1000 मिलीमीटर, 1 इंच, 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है, 12 इंच बराबर कितना मिलीमीटर, इसको निकाल लेते हैं, 12 गुणित 25.4 बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाता है, 1 फुट में हो जाएगा 1 फुट बराबर 12 इंच, और कितना mm, 12 गुणित 25.4, 304.8 मिलीमीटर, 1 फुट में लिख लीजिए, 1 फुट बराबर 304.8 मिलीमीटर, 1 फुट में इतना मिलीमीटर होता है। 1 फुट में कितना मीटर जानने के लिए 1000 mm से डिवाइड कर दीजिए, 304.8/1000, इससे डिवाइड कर भाग करेंगे तो हो जाता है 0.3048 मीटर, इतना होता है दोस्तों, 1 फुट बराबर इतना मीटर, 1 फुट बराबर इतना मीटर होता है। तो इसको लिख लीजिए, अलग से याद करने का है, इसको याद रखना है, 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर, ये है, एक फुट से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मान निकल आया। और अब हम लोग निकालते हैं मीटर से फुट में कैसे बदलेंगे, इसके लिए मान निकालते हैं। इसको पुनः बता देता हूं, यदि 10 फुट 15 फुट दिया रहेगा, मीटर में बदलना रहेगा, तो इससे गुणा करके मीटर में बदल सकते हैं। अब मीटर से फुट, मीटर से फुट में बदलना, उसी तरह कीजिए, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1 इंच, 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितना इंच, 1 मीटर में कितना इंच जानने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 1 मीटर में कितना इंच, देख लीजिए, 1000/25.4, तो 1 मीटर में कितना इंच निकल आएगा, 1 इंच का 25.4 मिलीमीटर से भाग करेंगे 1000 मिलीमीटर से, तो देख लीजिए इसका हो जाता है 39.37 इंच, तो 12 इंच में 1 फुट होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट, 1 फुट 12 इंच बराबर 1 फुट होता है,
एक मीटर में कितना फुट? तो एक मीटर में कितना फुट, 1 मीटर में कितना फुट? तो ये 12 इंच से डिवाइड कर दीजिए, भाग कीजिए 39.37 को 39.37 बटे 12, 39.37 बटे 12 बराबर हो जाता है 3.28 फुट, फुट में निकल आया 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट, लिख लीजिए यहां 1 मीटर बराबर 3.28 फुट। इतना मीटर को फुट में कन्वर्ट करने के लिए इससे जो है गुणा करेंगे। और दूसरा विधि थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर से कैसे निकालेंगे मीटर से फुट में बदलने के लिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 इंच में 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तब 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है, इसलिए 12 गुणित 2.54 कीजिएगा तो पूरा 1 फुट का सेंटीमीटर निकल आएगा। इसके बराबर कैलकुलेट कीजिए, 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर इतना होता है दोस्तों। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 सेंटीमीटर से भाग करेंगे, इसको इस तरह लिखिए 100/30.48 बराबर हो जाता है 3.28 फुट, इतना सेंटीमीटर से निकल आया। लेकिन अधिकतर प्रचलन एमएम से निकाला जाता है अधिकतर आजकल इससे। तब कुछ उदाहरण देखते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं। कुछ 2 मीटर इस तरह से है, किसी जगह का 2 मीटर किसी स्थान है, इस तरह 2 मीटर और 2 मीटर इधर, 2 गुणित फुट में कन्वर्ट करेंगे इसको, 2 गुणित 3.28 बराबर हो जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बराबर हो जाता है 6.56 फुट, 6.56 फुट। ये वर्ग है, इसका मान भी इतना ही आएगा, इसका मान भी एक ही, इसलिए दोनों का वर्ग यानी मल्टीपल कर दीजिए, 6.56 गुणित 6.56 बराबर हो जाएगा। कंफ्यूज करता है दोस्तों, पूरा वीडियो को जो है बार बार देखिए तो समझ में आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाता है 43.0
जीरो तीन तीन छः वर्ग फुट, इतना वर्ग फुट इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, ये 15 फुट, फुट से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 20 फुट, फुट से मीटर में कन्वर्ट अप करेंगे 15 गुड़ी 30 से किजिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3048 बराबर हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए 4.572 मीटर, 4.572 मीटर, 4.572 मीटर। अब इसको भी कन्वर्ट कीजिए 20 × 0.3048 बराबर हो जाएगा 6.096 मीटर, 6.096 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मल्टीपल कर दीजिए इसके मान और इसके मान को। आयात है तो 4, आयात का क्षेत्रफल बराबर इस तरह से कर दीजिए 4.572 गुणित 6.096 बराबर हो जाएगा, ये हो जाता है 27.87 वर्ग मीटर निकल आया। दोस्तों ये वर्ग मीटर में निकल आया, बहुत ही आसान है। कैलकुलेट करने में कहीं मिस्टेक है तो सही ढंग से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।